व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फोटोशॉप ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल फोटो एडिटिंग के ऊपर है। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले जस्ट चेक इट आउट, दिस इज बिफोर एंड नाउ दिस इज आफ्टर एडिटिंग, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। ओके, तो पहले तो लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे एक राइट क्लिक एंड हिट डुप्लीकेट, हिट ओके। ओके नाउ अभी जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करने के लिए क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको रेडियस जो है इसको थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ और जल्दी में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके नाउ सिलेक्ट हो जाने के बाद अभी जो हेयर का पार्ट है इसको सिलेक्ट करने के लिए रिफाइन एज का यूज़ करेंगे। ओके अभी जब यहाँ पे सिंपली जस्ट ड्रैग करेंगे और ये जो हेयर निकल के आ जाएगा, मतलब सिलेक्ट हो जाएगा। अभी इस साइड का भी हेयर जो है इसको भी सेम वैसे ड्रैग करेंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा, मतलब ये जो हेयर है ये सिलेक्ट हो जाएगा। और अभी यहाँ पे ये जो स्मूथ वैल्यू है इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे 4.8, ठीक है। और ये जो फेदर है इसको भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ओके नाउ ये जो नीचे के साइड में जाएंगे, यहाँ पे आके थोड़ा ड्रैग करेंगे इस साइड में थोड़ा। ओके नाउ हो जाने के बाद यहाँ पे आके आउटपुट टू जो है यहाँ पे इसको न्यू लेयर करेंगे एंड हिट ओके। ओके नाउ मुझे अभी मुझे नया लेयर मिल गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं एक मिनट ऑफ करके दिखाता हूँ। एरा नया लेयर, मतलब ये मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको भी सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आके जो ऊपर के लेयर इसको ऑल दबा के सिलेक्ट करेंगे और जो पीछे का लेयर इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट से मॉडिफाई से एक्सपेंड जो है इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे 20 हिट ओके। नाउ फिल एडिट के अंदर जाके फिल और शिफ्ट F5, यहाँ पे कंटेंट आवर हिट ओके। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है ये चला जाएगा, अभी मुझे एक फ्रेश बैकग्राउंड लेयर मिल जाएगा। ओके हो गया। अभी राइट क्लिक डिसलेक्ट और यहाँ पे जो छोटा छोटा हेयर वेयर रह गया है इसको हटाने के लिए मिक्सर ब्रश टूल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल सिंपली ड्रैग करेंगे तो ये चला जाएगा। और ये जो लेयर है ऑब्जेक्ट है इसको ऑन करेंगे और ये जो एज है यहाँ पे सिंपली ड्रैग करेंगे ओके, ताकि थोड़ा स्मूथ एज आ जाए। ओके हो गया। नाउ अभी बैकग्राउंड जो लेयर इसको सिलेक्ट रख के फिल्टर के अंदर से ब्लर गैलरी से टिल शिफ्ट यूज़ करेंगे मेरा। ओके अभी इसको नीचे की तरफ लाएंगे, एकदम नीचे की तरफ हाँ। और यहाँ पर आके ब्लर का जो अमाउंट है इसको ज़्यादा रखेंगे, ठीक है। और ये जो फेदर रेडियस है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको और भी नीचे रख कर देंगे, एकदम नीचे की तरफ, ठीक है। और अभी हिट ओके कर देंगे। ओके अभी ये हो जाने के बाद अभी मुझे एक नया लेयर चाहिए उसके बैकग्राउंड के लेयर के ऊपर, न्यू लेयर। और यहाँ पे आके जो ब्रश टूल इसको यूज़ करेंगे और यहाँ का जो एक कलर है ग्रीनिश टाइप उसको पिक करेंगे और यहाँ पे आके कलर को थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा येलिश, थोड़ा ग्रीनिश टाइप का रखेंगे कुछ हिट ओके। अभी यहाँ पे आके जो ब्रश टूल से यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे येरा। और ये जो इस साइड का जो कलर है इसको भी पिक करेंगे और इसको थोड़ा ह्यू जो है थोड़ा येलिश टाइप का रख के हिट ओके कर देंगे और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। नाउ यहाँ पे आके ब्लेंडिंग मोड से इसको स्क्रीन करेंगे येरा। और ये जो ओपेसिटी इसको कम करेंगे अराउंड 20-15, ठीक है। अभी मुझे एक और एक नया लेयर चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर और यहाँ का ये जो कलर है इसको पिक करेंगे और पिक करने के बाद यहाँ पे आके सिंपली ड्रॉप कर देंगे, जस्ट सिंपली ड्रॉप। ओके नाउ यहाँ पे आके इसको ओवरले करेंगे और ये जो ओपेसिटी इसको कम करेंगे, ठीक है। अभी ये जो चार लेयर है ये चार लेयर को पकड़ के सिंपली मार्च कर देंगे, राइट क्लिक एंड मार्च लेयर हिट ओके। अभी मुझे एक नया लेयर मिल गया है। ओके अभी सिंपली एडिट के अंदर जाके
ये जो कार्ब्स है इसको एडजस्ट करेंगे थोड़ा, लेयर को पकड़ के इमेज एडजस्टमेंट एंड कार्ब्स इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे के नीचे की तरफ इसको थोड़ा डाउन रखेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ा अप करेंगे एंड हिट ओके कर देंगे। ओके तो नाउ अभी ये जो लेयर इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके यहाँ पे सिलेक्ट एंड देन फिल्टर से कैमरा और फिल्टर को ऑन करेंगे। ओके नाउ यहाँ पे के टेम्परेचर जो इसको थोड़ा येलिश टाइप का थोड़ा वार्म टाइप का रखेंगे और ये जो टिंट है इसको थोड़ा मैजेंटा टाइप, ठीक है, और एक्सपोज थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा ज़्यादा करेंगे और हाइलाइटेड को ऐसे थोड़ा कम करेंगे और वाइट जो है इसको भी कम करेंगे एंड ब्लैक्स जो है इसको थोड़ा कम करेंगे। नाउ क्लैरिटी जो इसको थोड़ा कम रखेंगे -20, ठीक है, और वाइब्रेंस को थोड़ा ज़्यादा करेंगे। नाउ यहाँ पे आके ये जो पॉइंट है यहाँ पे आके RGB के अंदर रेड चैनल जो है इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे आके इसको थोड़ा अप रखेंगे और ठीक है अभी ऊपर की तरफ इसको थोड़ा अप करेंगे और यहाँ पे आके इसके बाद ग्रीन चैनल जो है इसको थोड़ा डाउन रखेंगे, नीचे की तरफ डाउन रखेंगे और उसके बाद ब्लू जो है इसको ब्लू और यहाँ पे आके मिडिल से इसको थोड़ा अप रखेंगे। ओके उसके बाद ये टाइप के अंदर रखें ये जो नॉइज़ रिडक्शन है इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि नॉइज़ चला जाए। ओके अभी यहाँ पे आके ये जो ह्यूमन सैचुरेशन है यहाँ से ये जो येलो कलर इसको थोड़ा येलोश टाइप का रखेंगे, कुछ ऐसा टाइप का येलो रेडिश टाइप का, और ग्रीन को भी येलोश टाइप का रखेंगे और इसको थोड़ा चेंज करके देखेंगे कैसा लगे। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और सैचुरेशन के अंदर जाके ये जो ऑरेंज है इसको कलर थोड़ा येलो का कलर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, और ग्रीन का भी थोड़ा रेड का कुछ ऐसा रख के छोड़ देते। ओके नाउ यहाँ पे आके जो हाइलाइटेड एरिया इसका कलर थोड़ा येलिश ऑरेंज टाइप का रखेंगे, कुछ ऐसा रख के, और सैचुरेशन जो इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे और ये जो साइड एरिया इसका कलर थोड़ा ग्रीन टाइप का रख के इसको सैचुरेशन भी थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। ओके नाउ ठीक है अभी यहाँ पे एफएक्स के अंदर आके इसको थोड़ा ज़्यादा करेंगे अमाउंट को, इसका अमाउंट, और इसके बाद ये जो पोस्ट है इसको थोड़ा कम करके हिट ओके कर देंगे। ओके नाउ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ओके हो गया, अभी मैं इसको थोड़ा जूम करके देख लेता हूँ। यहाँ पे एज जो है ये समझ में अगर आ जाए तो ब्लैड से इसको ठीक कर देंगे, ठीक ठाक ही है। ओके नाउ अभी एक मुझे ग्रेडियंट मैप चाहिए, उसके लिए यहाँ पे आके ग्रेडियंट मैप और यहाँ पे आके इसको चेंज करके ये जो पैटर्न है इसको यूज़ करेंगे, हिट ओके कर देंगे और ये जो ब्लेंडिंग मोड से इसके यहाँ से स्क्रीन करेंगे ह्यू कर देंगे और इसके बाद ओपेसिटी जो है इसको थोड़ा कम करेंगे अराउंड 50, ठीक है 40, ठीक है। ओके नाउ मुझे एक कार्ब चाहिए, उसके लिए इमेज के अंदर ना जाके यहाँ पे एरा कार्ब ऊपर में इसके एरा कार्ब्स इसको यूज़ करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे और इसको थोड़ा यहाँ पे आप करेंगे ताकि एक ड्रीमी टाइप का वो जो म्यूज़िक वीडियो में जैसा लुक होता है वैसा टाइप का लुक आ जाए। ओके हो गया, सो गाइस दैट्स इट, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, देन हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट कीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।